टीम इंडिया के कई पुराने क्रिकेटर मैदान पर अपनी काबिलियत दिखाने के बाद राजनीति के मैदान में उतरे, इससे अच्छे परिणाम सामने नहीं आए क्योंकि अधिकांश क्रिकेटर राजनीति की लंबी पारी खेले बगैर ही क्लीन बोल्ड हो गए। अब एक और क्रिकेटर अपना बल्ला टांगकर राजनीति के रास्ते पर निकल पड़ा है। ये क्रिकेटर टीम इंडिया का सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर है, जिन्होंने गुरुवार को भाजपा का हाथ थाम लिया है। क्रिकेटरों की तुलना में बॉलीवुड के कई सितारे आज भी राजनीति में चमक रहे हैं। आज कई राजनीतिक पार्टियों में बॉलीवुड के सितारे चमक रहे हैं। इनमें मंत्री, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। चूंकि गौतम गंभीर क्रिकेट में एक बड़ा नाम है, भाजपा ने इनके नाम का फायदा लेने के लिए पार्टी में इन्हें शामिल कर लिया है। पार्टी उन्हें टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारेगी या स्टार प्रचारक बनाएगी, ये आगामी दिनों में पता चल जाएगा। वहीं से गंभीर की सक्रिय राजनीति का भविष्य तय होगा। सभी जानते हैं कि गौतम गंभीर एक इंटेलिजेंट और गंभीर क्रिकेटर हैं। वे क्रिकेट को भलीभांति जानते हैं, लेकिन देश की राजनीति में हिस्सा लेना कोई आसान काम नहीं है। जैसे क्रिकेट में करियर बनाने के लिए एक शतक लगाना भी बड़ी चुनौती रहती है, ठीक उसी प्रकार राजनीति में खुद को स्थापित करना भी एक मुश्किल पारी खेलने के समान है। गौतम गंभीर ये अच्छी तरह जानते हैं कि टीम में बने रहने के लिए क्रिकेट के हर क्षेत्र में कुछ न कुछ करके दिखाना पड़ता है, जबकि राजनीति में अपना मुकाम बनाना, विपक्षों से निपटना, आरोपों से बचना, जनता को फेस करना, विरोधियों पर हमला बोलना और पार्टी के कामकाजों को जनता के बीच ले जाना जैसे अनेक काम एक नए राजनेता के लिए कठिन काम है। चुनाव में गंभीर के प्रदर्शन से उनका राजनीति का भविष्य तय होगा। आइए जानते हैं कि राजनीति में आकर क्रिकेटरों ने क्या क्या किया है। नवजोत सिंह सिद्धू से हम शुरुआत करते हैं। फिलहाल अमृतसर पंजाब से लोकसभा सांसद हैं नवजोत सिंह ने 2004 में पहली बार भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। मोहम्मद अजहरुद्दीन की बात करें तो पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 2009 में कांग्रेस से जुड़े और वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीट मुरादाबाद से लोकसभा चुनाव में खड़े हुए और सांसद चुने गए। कीर्ति आजाद पर हम आते हैं तो भाजपा के वरिष्ठ नेता भागवत झा के पुत्र कीर्ति आजाद भी भाजपा में लंबी पारी खेलने के बाद पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इससे पहले भाजपा में रहते हुए दिल्ली की गोल मार्केट विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। इसके बाद वो भाजपा को टिकट पर दरभंगा संसदीय सीट से चुनाव लड़े और सांसद चुने गए। चेतन चौहान, पूर्व सलामी बल्लेबाज चेतन चौहान 90 के अंतिम माह में भाजपा का हाथ थामा और 1998 में अमरोह उत्तर प्रदेश से संसद के लिए चुने गए। हालांकि उसके बाद तीन बार 1996, 1999 और 2004 में उन्हें सीटों पर लगातार हार का सामना करना पड़ा। बात करते हैं मंसूर अली खान पटौदी की तो पूर्व कप्तान पटौदी ने 1971 में विशाल हरियाणा पार्टी से टिकट पर गुड़गांव से लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1991 में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ा, इसके बाद भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। मनोज प्रभाकर की बात करें तो क्रिकेट के ऑलराउंडर कहे जाने वाले मनोज प्रभाकर ने 1998 में दिल्ली में आम चुनाव के दौरान अपनी किस्मत आजमाई और हार गए। हम आते हैं विनोद कांबली पर। 2009 में राजनीति में इन्होंने प्रवेश किया और लोक भारतीय पार्टी से टिकट लेकर विक्रोली मुंबई महाराष्ट्र से चुनाव लड़ा, उन्हें यहां से हार का सामना करना पड़ा। चेतन शर्मा की बात करें तो क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद 2009 में बसपा से टिकट पर फरीदाबाद से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें यहां भी हार मिली। मोहम्मद कैफ की अगर हम बात करें तो क्रिकेट के बाद 2014 में कांग्रेस में शामिल होकर राजनीति की शुरुआत की है इन्होंने और 2014 में लोकसभा चुनाव में पार्टी ने फूलपुर इलाहाबाद से टिकट देकर चुनाव लड़ा दिया। बात करते हैं एस श्री संत की तो आईपीएल में मैच फिक्सिंग के कारण उनका समय से पहले ही क्रिकेट खत्म हो गया था और क्रिकेट के करियर के बाद उन्होंने 2016 में राजनीति के क्षेत्र में अपना कदम रखा और बीजेपी का दामन थामा। अपने ही चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने अप्रैल 2012 में राज्यसभा की सदस्यता स्वीकार की, लेकिन सक्रिय राजनीति से वे दूर रहे। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.